दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कल्पना स्वागत करती हूं आपका लखनऊ कल्पना में। तो आज गोवर्धन पूजा, तो मैंने इस तरह के गोवर्धन भगवान बनाए हैं। अभी इसमें कलर भी भरने हैं, आपको दिख रहे हैं, धूप है इसी वजह से कुछ दिख नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने बना लिए हैं गोवर्धन भगवान को, कुछ इस तरह के बनाए हैं। गाय बस थोड़ी सी बिगड़ गई है, कसर रह गई, मम्मी पूरी कर रही है। मम्मी जैसे गांव में बनते हैं ना, मम्मी वाले बना रही हैं। फिर मैंने सारी तैयारी कर दी थी, फिर मम्मी ने आके भगवान को भोग लगाया। भोग में जो घर पे खाना बनाया था वो भोग लगाया, हर साल जैसे बनता है। बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था, कम से कम मुझे 2 से 2.5 घंटे तो भगवान को बनाने में ही टाइम लग गया था। फिर भोग लगा, भोग के बाद पूजा हुई, आरती हुई, उसके बाद हम सब ने मिलकर पूजा करी। आप लोग जरूर बताइएगा मेरे भगवान कैसे बने हैं। वैसे मैंने पहली बार ही बनाए हैं, पिछली बार मैंने दीदी ने मिलकर बनाए थे, तो इस बार मैंने पहली बार ही बनाए हैं। तो प्लीज़ आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसे बने हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, त्रेता युग में जब इंद्रदेव गुस्सा हो गए थे ब्रजवासियों, तब उन्होंने मूसलाधार बारिश की थी, काफ़ी नुकसान हुआ। तब कृष्ण भगवान ने हमारे गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो इसी तरह हर साल पूजा जाता है, और फिर जो खाने में बना था वो खाना हम लोगों ने खाया। ये जिमीकंद की सब्जी, छोले की सब्जी है, सूखी आलू की सब्जी है, कचौरी, पूरी, चावल रहता है। चलिए फिर दिखाते हैं आपको अगले दिन भाई दूज की पूजा। मेरे वहाँ तो ऐसे चौक बना के पूजा होती है। चावल को भिगो कर इसको पीस कर पेठा बनाया जाता है, जो इससे फिर हम लोग बनाते हैं, भाई बनाते हैं। फिर जो इसकी स्टोरी होती है उसमें उसी के हिसाब से अंदर जो